घोष टेपे नहर के पहले चरण के सफल समापन के साथ अफगानिस्तान के आकाश में आशा और परिवर्तन की रोशनी जगी है। अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात ने गर्व से घोषणा की है कि इस रणनीतिक परियोजना का दूसरा चरण चरण दर चरण पूरा हो चुका है और अब सफलता और विकास के एक और शिखर पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। दूसरे चरण का निर्माण शुरू होने के साथ ही यह बेशकीमती नहर अफगानिस्तान के नए जीवन का जीवंत प्रतीक और गवाह बन गई है। तालिबान ने गर्व से घोषणा की है कि इस परियोजना का निर्माण अधिक प्रेरणा और उत्साह के साथ किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, घोष टेपे नहर का पहला चरण पूरा हो चुका है और अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात ने हाल ही में इस नहर के पहले चरण का निर्माण पूरा किया है और घोषणा की है कि दूसरे चरण का निर्माण शुरू हो गया है। इस नहर के दूसरे चरण का काम 1.5 साल में पूरा होने का अनुमान है। यहां बहुत व्यस्तता है। जैसा कि आप जानते हैं, घोष टेपे नहर का पहला चरण बल्क प्रांत के कलदार जिले में अमू दरिया के किनारे से 108 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर से अधिक चौड़ा है और इस प्रांत के दौलत आबाद जिले तक पहुंच गया है। इस नहर का पानी पूरी तरह से अमू नदी से आपूर्ति किया जाता है। तालिबान ने इस चैनल के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में घोषणा की कि वे दूसरे चरण का निर्माण तुरंत शुरू करेंगे। अब इस चैनल के दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है। दूसरा चरण बल्ख के दौलत आबाद जिले से फरियाब प्रांत के अंदखोई जिले तक 177 किमी लंबा है। इस प्रकार अमू नदी का पानी फरियाब और जवज्जान प्रांतों तक लाया जाता है। घोष टेपे नहर का निर्माण देश के जल प्रबंधन के लिए अफगानिस्तान की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जिसे लगभग 50 साल पहले दाऊद खान की अध्यक्षता के दौरान डिजाइन किया गया था। तब से लेकर अब तक कोई भी अफगान सरकार इस बड़ी नहर को बनाने और इसके निर्माण कार्य को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाई है। पिछले साल की शुरुआत में तालिबान ने घोषणा की थी कि उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में इस नहर का निर्माण शुरू कर दिया है और तब से इस नहर के काम में प्रगति की नियमित खबरें आ रही हैं। घोष टेपे नहर का निर्माण मध्य एशिया के देशों की चिंताओं से भी जुड़ा है, जो अफगानिस्तान के पड़ोस में स्थित हैं। इससे पहले उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा था कि घोष टेपे नहर के निर्माण से मध्य एशिया की जल व्यवस्था बदल जाएगी। उन्होंने इस नहर के निर्माण के प्रभावों की व्यापक जांच के लिए तालिबान प्रतिनिधि की उपस्थिति के साथ मध्य एशियाई देशों का एक संयुक्त कार्य समूह बनाने की मांग की। हालांकि तालिबान के ऊर्जा और जल मंत्रालय ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की चिंता के जवाब में कहा कि अफगानिस्तान ने अमू सागर के पानी के उपयोग के संबंध में किसी भी देश के साथ अनुबंध या संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इस पर विचार करता है। इस समुद्र के पानी का उपयोग उसका अधिकार होगा। अमू दरिया नदी मध्य एशिया क्षेत्र की सबसे अधिक पानी वाली नदी है, जो पामीर पहाड़ों से निकलती है और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ अफगानिस्तान की उत्तरी सीमाओं पर लगभग 1126 किलोमीटर बहती है। हालांकि नदी का मुख्य मार्ग अरल झील की ओर है, लेकिन इसका सारा पानी रास्ते में और कृषि के लिए बनाई गई नहरों में खर्च हो जाता है। घोष टेपे नहर के पूरा होने से 600,000 हेक्टेयर से अधिक शुष्क भूमि सिंचित भूमि में परिवर्तित हो जाएगी और कपास, अंगूर, खरबूजे, सोयाबीन, बादाम और पिस्ता जैसे उत्पादों की व्यापक खेती और उत्पादन की योजना बनाई गई है। अफगानिस्तान के लिए पानी तक पहुंच अधिक महत्वपूर्ण है, जहां के 90% लोग कृषि में लगे हुए हैं। सिंचाई किसानों एवं कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने का एक अचूक उपाय है। सिंचाई प्रणालियों के निर्माण से उन फसलों को उगाना संभव हो जाता है जिन्हें बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, जैसे कि गेहूं और आलू। घोष टेपे नहर का निर्माण भी एक राजनीतिक परियोजना माना जाता है। इतनी बड़ी निर्माण परियोजना तालिबान सरकार को सशक्त बनाती है और इसका उद्देश्य अफगान लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना है। अमू दरिया में सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल वर्तमान में 6 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित है। इनमें से उज्बेकिस्तान में 2 मिलियन और 300,000 हेक्टेयर भूमि, तुर्कमेनिस्तान में 1 मिलियन और 700,000 हेक्टेयर भूमि और अफगानिस्तान में 150,000 हेक्टेयर भूमि है। अकेले निर्माण के पहले चरण के लिए तालिबान ने देश के बजट से
8 अरब से अधिक अफगानियों को आवंटित किया। नहर के निर्माण में 7,000 श्रमिकों और 4,000 से अधिक उपकरणों ने भाग लिया। नहर का निर्माण दिन रात जारी रहा और तालिबान नियमित रूप से निर्माण स्थल का दौरा करते रहे। तालिबान ने दारा सूफ कोयले की बिक्री से नहर के दूसरे चरण का वित्त पोषण करने की योजना बनाई है। सिंचाई संरचनाओं के अलावा इस बड़ी परियोजना में हरायतन के 348,000 हेक्टेयर कृषि परिसर का निर्माण, नहर पर रेलवे और सड़क पुलों का निर्माण, साथ ही नहर के किनारे एक सड़क का निर्माण भी शामिल है। घोष टैपे ग्रैंड कैनाल प्रबंधन की शुरुआत है कि लोगों और अधिकारियों दोनों ने इसके महत्व को महसूस किया है और इसे प्राथमिकताओं की सूची में रखा है। पिछली सरकारों के पास भी जल प्रबंधन की योजनाएं थीं, खासकर देश के उत्तर में, लेकिन वे विभिन्न कारणों से इसे व्यवहार में लागू नहीं कर पाईं। काम कम हार्डवेयर के साथ शुरू हुआ, जबकि परियोजना के महत्व की सीमा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता भी सीमित थी। लेकिन जल्द ही मूड बदल गया। घोष टेपे नहर में कई कंपनियां और कार्य मशीनें डाली गईं। यहां तक कि पड़ोसी देशों से भी हमारे नागरिक इस विशाल राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी मातृभूमि लौट आए। पहला चरण निर्धारित समय से 6 महीने पहले पूरा हो गया। एक ऐसा कार्य जो आगे की चुनौतियों और कठिनाइयों के कारण लगभग असंभव था। सबसे बड़ी समस्या हेयरटन के मैदानी इलाकों की चिलचिलाती गर्मी थी, जिससे नहर खोदने में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। दूसरी बड़ी समस्या नहर के रास्ते पर रेत के पहाड़ों का अस्तित्व था, जिसे हफ्ता खाना से गुजरते समय हटाना आसान लग रहा था, लेकिन पहाड़ियों को एक के बाद एक सफलतापूर्वक हटा दिया गया और अमू सागर घोष टेपे चैनल के समान स्तर पर था। क्षेत्र के किसान घोष टेपे नहर के काम की प्रगति को प्रोत्साहन की नजर से देख रहे हैं और बेसब्री से इसमें पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल वे 60 साल से यह सपना संजो रहे हैं। ऐसा लगता है कि घोष टेपे नहर के पहले चरण के पूरा होने के साथ ही सपने हकीकत बन जाएंगे। वे पहले से ही अमू पानी का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, जो जल्द ही घोष टेपे के सूखे और धूल भरे बिस्तर को नम और सुगंधित बना देगा। अमू सागर के पानी को अभी तक नहर से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन खुदाई के दौरान इसके तल में कुछ हिस्सों में पानी भर गया है, क्योंकि इन तटों पर भूमिगत पानी कम गहरा है और थोड़ा खोदने पर झरनों में लौट आता है। सड़क का समय से पहले पानी से भरना हालांकि खुदाई की कठिनाई के कारण चुनौतीपूर्ण था, लेकिन परियोजना की प्रगति को कभी नहीं रोक सका। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से घोष टेपे नहर परियोजना को इस्लामिक अमीरात के लिए एक सफलता माना जाता है, जिसने इसे कार्य प्राथमिकता बनाया और सभी सुविधाओं के साथ इसका समर्थन किया। राष्ट्रीय विकास कंपनी ने इस परियोजना में निजी कंपनियों को लाकर एक ओर तो इसके पूर्ण होने के कार्य को निर्दिष्ट किया, वहीं दूसरी ओर पुनः रोजगार के क्षेत्र ने लोगों को परिवार के सदस्यों के साथ इस ओर मौज मस्ती करने के लिए प्रतिदिन आने के लिए बाध्य कर दिया है। घोष टेपे नहर के दोनों किनारों पर 20 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं और कुछ लोग कार्य प्रवाह को देखने और अपने साथी नागरिकों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए साइट पर आते हैं। युद्ध के बाद की परिस्थितियों में ऐसी बड़ी परियोजनाओं को अंजाम देना, जिन्हें विदेशी सहायता पर निर्भर हुए बिना अफगानों की तकनीकी और श्रम शक्ति द्वारा संभव बनाया गया था, और अफगानों की आशा ने राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत किया है। घोष टेपे कृषि जल चैनल लंबाई, चौड़ाई, गहराई और जल अंतरण क्षमता के मामले में क्षेत्र की सबसे बड़ी जल परियोजनाओं में से एक है। घोष टेप न केवल एक नहर है, बल्कि यह पहली बड़ी परियोजना है जिसे हमारे अपने इंजीनियरों और श्रमिकों द्वारा डिजाइन और निष्पादित किया गया है और आंतरिक राजस्व द्वारा वित्त पोषित किया गया है। घोष टेपे हमारी ताकत में हमारा विश्वास बहाल करता है। घोष टेपे उत्तर में जल प्रबंधन में सबसे बड़ा अनुभव है और इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के साथ 2 बड़े पुलों का निर्माण किया गया, एक हरितारण मजार रेलवे लाइन को पार करने के लिए और दूसरा लंबे टन भार वाले इंजनों के उपयोग के लिए वही मार्ग पूरा हो चुका है। देखने के लिए धन्यवाद।